गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है MET-1 यानी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंतर्गत। जो टॉपिक आज हमें देखना है वो है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन यानी एक समान रेखा में या एक सीधी रेखा में गति। तो इस रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में जानने से पहले हम लोग को कुछ बेसिक चीज़ों को देख लेना चाहिए। जो क्या चीज़ है वो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यानी जिसे हिंदी में त्वरण कहते हैं, तो एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर कोई पार्टिकल है यानी कोई वस्तु है जिस पर कि कोई बल कार्य कर रहा है, इसका इनिशियल वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी V1 है। तो जब इस पर बल लगेगा तो वो इसके वेग में परिवर्तन करेगा और बाद में इसका वेग हो जाता है V2। और ये V1 से V2 वेग बदलने में जो समय लगा है उसको है ∆t यानी समय का अंतर। तो त्वरण क्या होता है? त्वरण जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी एक्सीलेशन इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, अर्थात वेग परिवर्तन की दर को एक्सीलेशन कहेंगे। तो यहाँ पर वेग में परिवर्तन कितना हुआ? लास्ट V2 माइनस V1 और नीचे इसके समय में परिवर्तन हुआ ∆t। तो V2 माइनस V1 को ही ∆V/ ∆t से भी लिख सकते हैं। तो यानी A इज इक्वल टू ∆V/ ∆t। डेल्टा यानी कि दो पहलू में अंतर। और उसी तरह अगर ये अंतर और छोटा हो जाए तो इसको dV/dt बोलते हैं, और ये अंतर अगर और छोटा कर दिया जाए तो उसको ∆V/ ∆t कहा जाता है। तो एक्सीलेशन यानी वेग में परिवर्तन की दर एक्सीलेशन होता है। और इसका यूनिट, इसका मात्रक जो है यूनिट क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो एक्सीलेशन का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। अब अगर कोई वस्तु एक सीधी रेखा में एक समान त्वरण से गति कर रही है तो वो रेक्टिलिनियर मोशन है जिसका हम अध्ययन करना है। त्वरण हमेशा एक समान नहीं हो सकता, कभी कभी ये त्वरण वेरिएबल होता है, यानी एक कांस्टेंट एक्सीलेशन होता है और एक वायरिंग यानी जो किसी अन्य फैक्टर पर डिपेंड करता है, जैसे टाइम पे डिपेंडेंट या किसी अन्य चीज़ पे। तो कांस्टेंट एक्सीलेशन से भी बॉडी मूव करती है और वायरिंग एक्सीलेशन से भी मूव करती है। तो आज जो हम गति का अध्ययन करेंगे यानी गति के नियमों के बारे में जानेंगे, वो हमारे 3 बेसिक लॉ ऑफ फोर्सेज हैं यानी बेसिक लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, बेसिक लॉज ऑफ मोशन। तो ये 3 बेसिक लॉ जो है उसमें से उनको जानने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स इस्तेमाल करते हैं। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उसकी वेलोसिटी यानी इनिशियल वेलोसिटी को यू से लिखा जाता है। एक्सेलरेशन यानी त्वरण, उसको ए से लिखा जाता है। और फाइनल वेलोसिटी यानी गति के लास्ट में ये वेलोसिटी बढ़कर वी हो जाती है, और इस गति में लगा हुआ समय टी होता है, और इस दौरान जो डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन होता है वो
एस होता है। तो ये सारे वो टर्म्स हैं, इनिशियल वेलोसिटी यू, एक्सीलेशन ए, फाइनल वेलोसिटी वी, टाइम टी और डिस्प्लेसमेंट एस। तो इसके आधार पर जो गति के नियम हैं वो फर्स्ट लॉ यानी पहला नियम जो है, फर्स्ट नियम जो कहता है वो कहता है वी बराबर यू प्लस ए टी, यानि फाइनल वेलोसिटी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी में एक्सीलेशन और टाइम का मल्टीप्लिकेशन ऐड करने से मिलेगा। तो काफ़ी इजी है। फिर सेकंड रूल जो है वो बताता है चली गई दूरी एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सेकंड लॉ है। और इसी से जुड़ा हुआ जो है वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, वो बताता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो इस तरह से हमने देखा ये हमारे गति के तीन नियम हैं, पहला वी बराबर यू प्लस ए टी, दूसरा है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। यहाँ पर इन सारे टर्म्स क्या क्या चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं वो यहाँ हमने पहले ही देख लिया। अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है देखने वाला वो है कि इस प्रकार की वस्तु जो गति कर रही है वो किसी दिए गए समय में यानी किसी पर्टिकुलर समय में कितनी दूरी तय करती है, यानी ये मान लीजिए टी सेकंड में तय किया या एन सेकंड में तय किया, तो ऐसे पूरी गति जो है वो 10 सेकंड की थी या 10 मिनट की थी, तो 9वें मिनट में 8वें मिनट में यानी किसी स्पेसिफिक सेकंड में, ठीक है, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यंथ सेकेंड, यनवें सेकेंड में चली गई दूरी उसको कैसे निकालते हैं, उसकी वैल्यू होती है एस एन बराबर यू प्लस हाफ ए टू टी माइनस वन, टी यानी टीवें सेकेंड, एन या टी कहें तो यू प्लस हाफ ए टू टी माइनस वन, ये फार्मूला है किसी दिए गए पर्टिकुलर सेकंड में चली गई दूरी। तो इस फार्मूले को कैसे निकालते हैं वो चीज़ देखनी है। तो इसके लिए हमने पहले एन सेकंड में चली गई दूरी निकाल लिया, यानी डिस्टेंस ऑफ एंथ सेकंड, एन सेकंड में ये चली गई दूरी का फार्मूला ये रहा, यू टी यानी यू एन प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टी की जगह एन, ए एन स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन ए। उसी तरह से अगर डिस्टेंस पूछी जाए एन माइनस वन सेकेंड, एन माइनस वन सेकेंड में कितनी दूरी चलेगा, तो अब की जगह एन की जगह एन माइनस वन रख देंगे, यू एन माइनस वन प्लस हाफ ए एन माइनस वन का स्क्वायर, तो ये हो गया एन माइनस वन सेकेंड में चली गई दूरी, ये ऊपर वाली एन सेकेंड में, ये एन माइनस वन सेकेंड में। तो इसको नीचे और सिंपलीफाई कर लेंगे, यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए, और ये ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, यानी ये वैल्यू आ गई यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए एन स्क्वायर प्लस हाफ ए माइनस एन इंटू ए, ये हमने इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया, तो ये इक्वेशन बी हो गया। तो इक्वेशन ए बता रहा है एन सेकेंड में कितनी दूरी हुई,
और इक्वेशन बी बता रहा है कि एन माइनस वन समय में कितनी दूरी हुई, तो एनवे यानी लास्ट वाले सेकंड में कितनी दूरी चली होगी, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन ए माइनस बी, तो ए माइनस बी करने से हमको ये एनवे सेकंड में चली की दूरी यानी एस एन की वैल्यू पता चल जाएगी। तो एस एन जो है एन माइनस वन, तो अब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो नीचे वाले का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, तो ये अब इस तरह से हो जाएगा यू एन, पहले इक्वेशन ए लिख दें, प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, ये इक्वेशन ए हो गया, फिर ये नीचे वाले को माइनस करना यानी इसका चेंज हो जाएगा साइन, तो जाएगा माइनस यू एन, फिर प्लस यू माइनस ए एन स्क्वायर बटे दो, फिर माइनस ए बाई टू और प्लस ए एन। तो हमने ये नीचे वाले एक दो तीन चार पाँच टर्म के साइन चेंज कर दिए, अब इसमें से कौन कौन सी वैल्यू जो है वो कट जाएगी, यहाँ देख रहे हैं ये यू एन और ये यू एन, ये आपस में कट गए, ये यू एन कट गया, ये हाफ ए एन स्क्वायर, ये हाफ ए एन स्क्वायर कट गया। तो अब जो वैल्यू बची ये वैल्यू ये इस तरह से हो जाएगी, यू को बाहर कर दिए और माइनस ए बाई टू और प्लस ए एन, ये तीन चीज बची। अब इसमें से हमको माइनस ए बाई टू को कॉमन कर लेना है, तो माइनस ए बाई टू यानि जो ये सेकंड टर्म है, इस टर्म में हमने यहाँ पर ऊपर टू लिख दिया और नीचे टू लिख दिया, तो ये इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो ये ए और ये बाई टू इसको हमने बाहर कर लिया, तो यू प्लस ए बाई टू बाहर कर लिए, तो जब यहाँ से ए बाई टू बाहर कर दिए तो क्या चीज़ बची यहाँ पर, यहाँ से हमने ए बाई टू को बाहर कर दिया ये इतना, तो बचा क्या टू एन, यानि बचा टू एन, और इस वाले में ए बाई टू को बाहर कर दिया तो बचा माइनस वन, तो ये टू एन माइनस वन, यानि जो ये फार्मूला हम लोग यहाँ देखे थे एन सेकेंड में चली गई दूरी यू प्लस हाफ ए टू टी माइनस वन, ये यहाँ पर प्रूफ हो गई। तो हम लोग ने देखा कि रेक्टिलिनियर मोशन में मोशन के नियम यानी लॉज ऑफ मोशन क्या होते हैं। अब ये वो है कि जहाँ पर एक्सीलेशन है यानी पॉजिटिव यानी वस्तु का वेग बढ़ रहा है। अब अगर किसी कारण से वस्तु का वेग घट रहा है यानी जिसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन यानी अब की बार इनिशियल वेलोसिटी यू, यू है इनिशियल, वी है फाइनल वेलोसिटी और ए जो है वो आपकी रिटार्डेशन है यानी एक्सीलेशन की जगह अब रिटार्डेशन है। तो अब की बार ये इक्वेशन इस तरह से हो जाएंगे वी इक्वल टू यू माइनस ए टी, क्योंकि अब स्पीड घटेगी, एस बराबर यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर और इसी तरह से वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस टू ए एस, यानी अगर किसी वस्तु का वेग घट रहा है यानी रिटार्डेशन के अंतर्गत अगर मोशन है तो इस प्रकार से लिखा जाएगा। इसी के साथ एक चीज और आती है, मोशन अंडर ग्रेविटी,
यानी गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति। गुरुत्वाकर्षण के अधीन तो हम जानते हैं कि धरती का गुरुत्वाकर्षण जनरली छोटी दूरियों में कांस्टेंट रहता है, यानी गुरुत्वाकर्षण एक एक समान लगने वाला बल है, यानी एक समान लगने वाला त्वरण है। तो गुरुत्वाकर्षण के अधीन जो गति होती है उसमें एक्सीलेशन की वैल्यू ग्रेविटेशनल एक्सीलेशन के बराबर होगी, और इसको स्मॉल जी से लिखा जाता है, और स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। तो यानी अगर वस्तु, जैसे यहाँ पर अगर हम देखें, ये एक कोई एक दीवार है, कोई वॉल है, और इस दीवार के ऊपर यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है, और ये व्यक्ति यहाँ पर से कोई बॉल को ड्रॉप करता है, यहाँ से बॉल इसने छोड़ दी। तो बॉल जब ड्रॉप करेगा तो बॉल का इनिशियल वेलोसिटी u जीरो होगा, और एक्सीलेशन कौन सा होगा, g, और इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। तो यानी अगर किसी ने बोला कि ये एक व्यक्ति इस बॉल को यहाँ से ड्रॉप करता है, तो अगर पूछा गया कि 2 सेकंड बाद इसका वेग क्या होगा, ठीक है, यानी व्हाट विल बी वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड, और ये कैसे छोड़ा गया, इफ ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट यानी u बराबर 0 से छोड़ा गया है। तो हम देख रहे हैं कि ये कैसा है, एक समान रेखा में गति है। तो v यानी फाइनल वेलोसिटी पूछा गया है, v बराबर u प्लस g इंटू t, u की वैल्यू 0, g की वैल्यू 9.8 और t की वैल्यू 2 सेकेंड, यानी 8 × 16 19.6 मीटर प्रति सेकेंड, ये इस बॉल की 2 सेकंड बाद स्पीड हो जाएगी। और उसी तरह से अगर हम यहाँ से कोई बॉल को ऊपर की ओर उछालेंगे, ये अबकी बार बॉल है, और इसको हमने यहाँ धरती से ऊपर की तरफ फेंका, तो ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो यानी अबकी बार ये एक्सीलेशन माइनस जी होगा, और क्या हो गया, इसकी वेलोसिटी अबकी डिक्रीज कर जाएगी। अब वेलोसिटी डिक्रीज करेगी क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर कार्य करेगा और बॉल को हमने ऊपर फेंका है। नेक्स्ट चीज इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि 3 बॉल्स हैं, 3 बॉल्स ऑफ, एक बॉल है आयरन का यानी लोहे का, एक है वुड का यानी लकड़ी का, और एक है रबड़ का। ये क्या किए जाते हैं, आर ड्रॉप्ड फ्रॉम पोल या माउंटेन या कोई हाइट से, आम हाइट। तो पूछा जाता है कि कौन सबसे पहले धरती को हिट करेगा, हु विल हिट द ग्राउंड फर्स्ट, यानी सबसे पहले धरती पर कौन पहुंचेगा। तो यहाँ पर धरती किसी हाइट से फेंका गया है, यानी गेंद को या जो तीनों बॉल है आयरन वुड, उसकी हाइट कुछ दी होगी, या हाइट नहीं भी दी है तो h मान लीजिए, और हमको पूछा गया कि कौन पहले पहुंचेगा है फर्स्ट, यानी पूछा जा रहा है टाइम के संबंध में कि किसका टाइम कम होगा, यानी टाइम और हाइट, यहाँ पर 2 चीज़ों के बारे में हमको सोचना है। तो यानी यहाँ पर हमारे लिए फार्मूला नंबर 2 जो है वो काम करेगा। तो फार्मूला नंबर 2 में अगर देखा जाए तो हाइट h यानी s बराबर u, क्योंकि 0 से छोड़ा गया है, 0 इंटू टी
माइनस हाफ, अब माइनस नहीं होगा प्लस होगा क्योंकि स्पीड बढ़ रही है, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो अब यहाँ ये जीरो है तो ये तो जीरो हो गया, तो यहाँ से h बराबर क्या आ गया, जी टी स्क्वायर बाई टू, यानि जी टी स्क्वायर बराबर टू एच, यानि टी स्क्वायर बराबर है टू एच बटे जी, और इसी तरह से टी बराबर अंडर रूट टू एच अपॉन जी, यानि जो लगा हुआ समय है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ एच पर या जी पर। तो इस इक्वेशन में कहीं भी नो वेट यानि इसके भार का कोई रोल नहीं है, यानि इस केस में जो ये तीनों बॉल होंगी वो क्या होंगी, ऑल विल हिट सेम टाइम एट सेम टाइम, यानि ये तीनों बॉल एक साथ धरती को हिट करेंगी, और इनके टाइम में अगर बहुत बारीकी से अध्ययन किया जाए तो बहुत ही जरा सा अंतर होगा, यानि माइन्यूट डिफरेंस होता है। और ये माइन्यूट डिफरेंस क्यों होता है, ये होता है एयर फ्रिक्शन या एयर रेजिस्टेंस के कारण, एयर रेजिस्टेंस के कारण ही इन बॉल्स में बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। और अगर एयर रेजिस्टेंस को हम नेगलेक्ट कर दें तो ये तीनों बॉल सेम टाइम पर धरती को टच करेंगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।